वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लेवण ते बदला तुरकन ते गुरु पठायो स्वैकर बंदा, मार तुके कर खुआर वजी दे देहों उजाड़ लुटै सरहंदा। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वालों कीती सरहंद फतेह दिवस नूं समर्पित तीन रोजा गुरमत समागमां दी अज समाप्तियां श्री अखंड पाठ साहब जी दियां होईयां। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उन्हां वालों 12 मई 1710 नूं चप्पड़चिड़ी दे मैदान विखे सूबा सरहंद वजीद खान उहदी करनी दी सज़ा ते जिहड़े जिहड़े नाल उहदे होर भी कोई पंथ दोखी सन उहनां नूं कीतियां सजावां दा फल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दिता। और इन्हां थावां ते झूलदे होए हैदरी परचम उतार करके केसरी परचम बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इन्हां स्थानां ते लहराए। और नाल ही 14 मई नूं, लगभग 12 मई नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर चप्पड़चिड़ी दे मैदान अंदर उस थां ते जंग हुई 12, 13, 14। और इन्हां स्थानां ते आण करके जंगे मैदान अंदर शहादतां दा जाम पीण वाले गुरु के सिखां दे इन्हां स्थानां ते संस्कार होए। और जिहड़े सख्त जख्मी हो चुके सन, जख्मियां दी मलम पट्टी जां जख्मियां नूं इन्हां स्थानां ते लिया करके और उन्हां दी मलम पट्टी हुई, दूसरे जिहड़े शहादतां दे जाम पी के गुरु चरणां विच जा बराजे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणा कमलां अंदर जा बराजे सन, उन्हां सूरबीरां दे इन्हां स्थानां ते संस्कार होए हन। आप समूह संगतां जिथों जिथों तक भी वीडियो जरिए राहीं आप मैसेज जा रहा है, गुरद्वारा साहब दे नाल गुरद्वारा शहीदगंज पावन पवित्र स्थान बनिया है जिस स्थान पर 6000 गुरु के सिखां दे संस्कार होए। सो अज दा इह महान दिहाड़ा सरहंद फतेह दिवस दियां गुरु के सिखां दे अंदर खुशियां पी और नाल उन्हां महान सूरबीरां नूं नमस्कारां पी जिन्हां ने सतगुरु महाराज जी दे हुक्मां पर फुल चढ़ा करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के लालां दे जिहड़े जिहड़े दुखी सन उन्हां नूं भाई सजावां उन्हां नूं दित्तियां, वो अज दे महान दिहाड़े इन्हां पावन पवित्र स्थानां ते हर साल दी तरह मनाए जांदे हन। सतगुरु रहमता करन, पंथ अंदर एकता प्यार इतफाक, चढ़दियां कलां दाता वरताउण सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस महान पवित्र धरती से सरहंद फतेह दिवस के समागमों में हाजरी भरने वाली समुची साध संगत को मैं जिते लख लख मुबारकबाद देना, उत्थे खुशी भी महसूस करदा और माण भी महसूस करदा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के महान कारनामें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल इन समागमों मतलब बड़े शान नाल बड़े शौक नाल मनाया जाता। और मैं समझदा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की महान देन असी कदे भुला नहीं सकते। सरहंद की धरती ने निक्कियां जिंदा वड्डे साके का इतिहास रच के दुनिया के इतिहास में शहादतों के दौर में एक नवा चैप्टर तैयार किया, उसे असी माण कर सकते हैं। और जिथे जबर जुल्म अते न्याय की सज़ा जिहड़ी आ किसी जालम नूं देण दी ते ढुकवीं ते एक मिसाली सज़ा जे कही जा सकती है चप्पड़चिड़ी के मैदान के फतेह मीनार की थान पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वजीदे का सिर वढ़ के उसनों बैलों की जोड़ी ना घड़ी के सरहद लिया के जो खालसा राज दे झंडे गड्ढे और खालसा राज कायम किया, वो भी साडा एक महान मानामती शानामती इतिहास हमेशा सानू याद रहेगा। सो अज के इस महान पवित्र दिन से मैं समुची कौम को लख लख मुबारकबाद दिना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिखां दी सरबोध जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हरेक साल की तरह 12 मई नूं जिहड़ा सरहंद फतेह दिवस मनाया जाता है और ये 3 रोजा जिहड़ा प्रोग्राम है ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लिखा जाता है